कि जैनब के हवाले से पूरी कौम रोई, आप भी रोए, हम भी रोए, पूरी कौम रोई, एक आसमां बची रह गई है। आपने चीफ जस्टिस से अपील की है कि इसका फैसला जल्द अज जल्द हो, और अगर कानून इस चीज की इजाजत देता है तो इसको कटहर इसको चौक में रखा जाए। क्या आप चीफ जस्टिस से ये अपील करेंगे? बरदान में भी एक जैनब जैसी बच्ची का वर्णन हुआ है कि चीफ जस्टिस उसके आज बुक नोटिस लेते हुए उस केस को भी जल्द अज जल्द साफ करने की कोशिश करें। जी मैंने तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम उनको पूरी अपना मदद के लिए तैयार है, हर तरह की। मैं खुद ज़ाती तौर पर जिस तरह जैनब बच्ची की मैंने पर्सनली सुपरविजन की, तफ्तीश की, आसमा भी कौम की बेटी है, मर्दान की, मैं केपी के गवर्नमेंट को खुली आप के दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें बताएं, हमारा फॉरेंसिक लैब हर चीज़ मौजूद है, वो वहाँ पर आएंगे मर्दान में, जो आप वो कहेंगे करेंगे, बाकी अदालत का मामला तो अदालत ने तय करना है। जी भट्टी साहब जी,